चंडीगढ़ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को मोहाली के खरड़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट की तरफ से तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के लिए रिमांड की मांग की थी। ऐसे में अब तीनों आरोपी 7 दिन तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। इस दौरान पुलिस इनसे मामले से संबंधित पूछताछ करेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चंडीगढ़ संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ हैं। रवि, पूरी अपडेट्स और लीड्स चाहूंगा मैं सबसे पहले आपसे। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से ये जो पूरा मामला परसों रात को उठा है और उसके बाद से ये लगातार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए जो है तमाम छात्र नारेबाजी करते नजर आए। और जिस प्रकार से आरोपी छात्रा है उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि वीडियो जो है वो बनाए गए, करीब 50 से 60 ऐसी छात्राएं हैं जिनका वीडियो बनाने की जो बात है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके उलट अगर बात की जाए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, माफ कीजिएगा, मोहाली पुलिस प्रशासन की, तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जो आरोपी छात्रा है उसकी तरफ से खुद का MMS बनाया गया है, खुद के जो फोटोज हैं वो अपने किसी मित्र को भेजे गए हैं, शिमला का रहने वाला, हिमाचल का रहने वाला वो उसका मित्र जो है वो बताया जा रहा है। उसके साथ साथ उसका मित्र का एक और जो साथी है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद उनको खरड़ जो कोर्ट है उसमें पेश किया गया। उसमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से 7 दिन का, जो कोर्ट की तरफ से 7 दिन का रिमांड जो है वो देने की जो बात कही गई है। अब पूरा जो मामला है वो केशव फोरेंसिक जांच पर आकर अटक गया है। फोरेंसिक जांच जो है वो कराई जाएगी, तमाम जो गैजेट्स हैं उनसे जानकारियां जो हैं वो जुटाई जाएंगी, किस प्रकार से कितने जो लोगों के वीडियो जो है इस फोन से बनाए गए हैं, आरोपी छात्रा के फोन से बनाए गए या किसी को भेजे गए हैं, पूरे जो एंगल्स हैं वो इसमें तलाशे जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर इस प्रकार की कोई वीडियो बनाए गए हैं तो किस किस को भेजे गए हैं, मोटिव क्या था, मोटिव का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। पैसों के लिए पूरा जो वीडियोज हैं वो बनाए गए हैं या फिर निजी दुश्मनी, आपसी छात्रों की आपसी कहासुनी हो जाती है उसके चलते इस प्रकार का काम किया गया है, तो तमाम जो है मोटिव भी तलाशने का प्रयास किया जाएगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब पुलिस प्रशासन की तरफ से एक SIT गठित कर दी गई है। 3 महिला पुलिसकर्मी इस SIT टीम में जो है वो शामिल रहने वाली हैं और कहीं ना कहीं गहनता से जांच इस पूरे मामले की जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने यूनिवर्सिटी की वुमेन सेल की हेड की अध्यक्षता में 9 सदस्य जो है कमेटी है वो बनाई गई है। इस कमेटी में 3 छात्र प्रतिनिधि और 6 प्रोफेसर शामिल किए गए हैं। यह कमेटी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधन को सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है और तूल पकड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 1 हफ्ते का जो है रिमांड पर जो है तमाम तीनों आरोपी हैं वो भेज दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केशव बात अटक के आती है, क्या जो अन्य जो 50 से 60 छात्राओं का नाम सामने आ रहा है कि उनके भी वीडियो जो है वो बनाए गए हैं या फिर यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी वहां पर, वो माहौल सब कैसा है, शांत हुआ? बिल्कुल केशव, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और तमाम जो छात्र हैं वो अपने अपने घरों के लिए जा चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 6 दिन का छुट्टी का ऐलान जो है वो कर दिया गया। कुछ एक छात्र हैं वो अपने घर के लिए जो है, बचे हुए छात्र जो है वो निकल रहे हैं। आसपास के जो छात्र थे उनके पेरेंट्स आके उनको सुबह सुबह यहाँ से रिसीव करके ले गए। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो है माहौल जो है बिल्कुल शांत नजर आ रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि छात्र जो है यूनिवर्सिटी में नहीं रहे, तमाम जो छात्र वो अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। केवल स्टाफ जो है नॉन टीचिंग स्टाफ और अन्य जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी का वो ही यूनिवर्सिटी में आ सकता है 6 दिन तक। तमाम जो है नॉन टीचिंग डे जो है 6 दिन का कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी ये वजह ये बताई जा रही थी कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे उससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो खराब हो रहा था और कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो गड़बड़ाता हुआ यूनिवर्सिटी के लिए नजर आ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 दिन की छुट्टी की घोषणा केशव कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रवि।